गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर SST पीरियड एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 ऑफ हिस्ट्री. सो नाउ वी नो अबाउट द आयरन पिलर एंड द स्टूपास. लेट अस लर्न मोर अबाउट अनदर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स. सो लेट अस वॉच द वीडियो. हेलो स्टूडेंट्स, Do you recognize this building? What do you think it is? Yes, you are right. This is a temple. We see so many temples around us. Some of these temples were built many, many years ago. Today, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि टेम्पल्स जो हैं बहुत साल पहले बने हुए हैं. अब देखते हैं कि ये टेम्पल्स कब बने थे. We will look at the structure of some of these old temples and understand how they were constructed. Some of the earliest Hindu temples were built around 2000 years ago during the beginning of the first. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेम्पल से कब बने थे, तो ये 2000 years ago बने थे. और कब बने थे? जब बिगनिंग थी फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट CE की बिगनिंग हुई थी जब. Century CE. Many of them were built to worship Lord Shiva, Lord Vishnu and Goddess Durga. सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी जो थी पूजा करने के लिए ये टेम्पल्स बनाए गए थे. लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा. When we look at the structure of these temples, we find a garbhagriha or the place where the chief deity of the temple was placed. The garbhagriha is a feature that can be seen even in the temples of present times. इसको बोला गया है बच्चे ये. Another feature of ancient temples that continues to अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, शिखारा. शिखारा क्या है? यहाँ पर एक टार बना दिया जाता है हर एक टेम्पल के ऊपर. ये क्या शो करता है हमें? ये एक शो करता है कि ये एक रिलीजियस प्लेस है. ओके, एग्जिस्ट इवन टुडे इज द शिखरा. प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखते हो तो ऐसे टार जो हैं टेम्पल्स के ऊपर बनाए जाते हैं. इट इज अ टार बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ होली साइट. मोस्ट टेम्पल्स हैड एंड कंटिन्यू टू हैव अ मंडपा. दिस वाज द प्लेस वेयर द अब यहाँ पर देखो मंडप बना होता है. मंडपा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग गैदर होते हैं और रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. पीपल कुड गैदर. डू यू नो व्हाट दीस टेंपल्स वर मेड ऑफ? अब क्वेश्चन आता है कि ये टेंपल्स जो हैं ये बने किसके होते हैं? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है भितरगांव की. भितरगांव जो था वहाँ पर एक टेंपल था और वो किससे बना हुआ था? बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन से. तो पहला आंसर ये रहेगा कि बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बना होता है. नेक्स्ट देखते हैं. सम ऑफ देम वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन. For example, the temple at Bhitargaon is made of baked bricks and stone. It was built around 1500 years ago. Some others were carved out of rock. For example, अब देखो पहले हमने पढ़ा कि किससे बना होता था? बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन से. अब अगर हम देखते हैं तो किससे बना होता है? सेकेंड ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा रॉक कट एंड टेम्पल. The Kailash temple at Ellora is a rock cut temple. It was built around 1300 years ago. Many of the rock carved temples at Ellora were carved out of a single rock. They are therefore known as monolithic temples or single stone. जो एक सिंगल रॉक से बने होते थे टेंपल उनको मोनोलिथिक टेंपल बोला जाता था. ये आपको पता होना चाहिए. मोनोलिथिक टेंपल किसको बोलते हैं? जब कोई भी टेंपल जो है वो सिंगल स्टोन से बना होता है. Stone temples. Usually, it was a king or a queen who decided to build a temple. अब देखो टेम्पल्स को बनाएगा कौन? Obviously, जो रिच होगा और जिसमें पार होगी टेम्पल को बनाने की. यहाँ पर किंग्स और क्वींस जो होते थे पुराने टाइम में वो रिच होते थे और वो अपनी पार शो करने के लिए टेम्पल्स को बनाते थे. ऑर्डिनरी पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत कॉस्टली बनते थे तो वो नहीं बना पाते थे. इसीलिए टेम्पल्स को कौन बनाता था? किंग्स एंड क्वींस. Building temples was costly, so regular people could not afford to build them.
When we look at the construction of these temples, मान लो अगर हमने टेम्पल बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, प्लेस देखनी पड़ेगी. सो फर्स्टली वी विल फाइंड अ प्लेस और वी विल सिलेक्ट अ प्लेस टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल. द फर्स्ट स्टेप वॉज टू सिलेक्ट अ प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल. Once the place for the temple to be built was decided, quality पर प्लेस मिल जाती है तो सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा वो क्या रहेगा कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स फाइंड करने पड़ेंगे इफ वी गॉट द प्लेस टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल. स्टोन्स वर फाउंड क्वारीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लेस. जब हमें टेम्पल्स जो हैं बनाने की प्लेस मिल जाती है उसके बाद हम स्टोन्स देखते हैं. अगर हमें स्टोन्स मिल जाते हैं तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कंस्ट्रक्शन प्लेस पे और उसके बाद उसको शेप दी जाती है. अब के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं. पुराने टाइम में मशीन्स नहीं होती थी, हैंडवर्क किया जाता था और वहाँ पर एनिमल्स वगैरह की हेल्प ली जाती थी, ठीक है. बट अब जो है वो वर्क इजीली हो जाता है, पुराने टाइम में इतना इजी नहीं होता था. तो क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, क्राफ्ट पीपल जो होते थे, इसके शेप देते थे और उनका जो होता था मेन काम होता था. रफ स्टोन्स वर देन शेप्ड एंड कार्व्ड बाय क्राफ्ट्स पीपल टू फॉर्म द पिलर्स एंड पैनल्स फॉर द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द टेम्पल. Unlike the present times when we have machines to transport construction material and even carve intricate designs on walls, construction and designing buildings was a far more difficult task thousands of years ago. All these difficult tasks were done by people with some help from animals. If we look at the location of some of the ancient temples, it is difficult to imagine how the ancient people were able to carry such heavy stones to these locations. अब देखो इनके पास इतनी machines वगैरह नहीं होती थी तो अब तो अब के time में तो machines हैं transportation के लिए या फिर उसको बनाने के लिए या shape देने के लिए, but उस time नहीं होता था. तो सोचो craft person ने इनको कैसे जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है इसको शिफ्ट किया होगा या फिर कैसे बनाया होगा. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ टेम्पल. The precision with which the walls and ceilings of some of the ancient temples have been carved indicates the high level of craftsmanship that the artisans had. The different elements of a temple were placed in the right position, perhaps by the people or with the help of animals like elephants, which could carry heavy weights to construct the temple. Besides the money that the kings or queens invested, donations and gifts given by the devotees were. अब देखो उनके पास पैसा जो भी आता था, चाहे वो डोनेशन का था या फिर किसी भी तरीके का जो था पैसा आता था, वो सारा किसमें लगा देते थे, टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल. ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द एंशिएंट टेम्पल.